आज हर ओर खुशी का माहौल है, सभी ओर एक ही जयकारा सुनाई दे रहा है जो है गणपति बापा मोरिया। घर हो या सार्वजनिक पंडाल, सभी लोग अपने बापा की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा ही सार्वजनिक मंडल है जो पिछले 4 सालों से अपने बापा की स्थापना करे हैं। आइए देखते हैं गणेश उत्सव की स्पेशल रिपोर्ट। पेशवाओं ने गणेश उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की, लेकिन सार्वजनिक गणेश उत्सव का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। तिलक ने 1893 में पहली बार सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया, जो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गया। नासिक में वीर सावरकर और कवि गोविंद ने मित्र मेला संस्था बनाकर गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। सार्वजनिक गणेश उत्सव का यही मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग एकत्रित होकर एक उत्सव मनाए। ऐसा ही कुछ शहर के महल से चिटनेस पार्क चौक स्थित श्री छत्रपति गणेश उत्सव मंडल में दिखाई दे रहा है। मंडल की ओर से पिछले 4 सालों से गणेश जी की स्थापना की जाती है, साथ ही हर साल अलग अलग थीम भी रखी जाती है। आज एक और जंगल नष्ट होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिससे पर्यावरण पर विपरीत असर हो रहा है। आज हमें पर्यावरण बचाना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यही संदेश देते हुए मंडल की ओर से जंगल थीम रखी गई है, जहाँ जंगलों में गणेश जी विराजमान हुए हैं। इस मंडल में छोटे से लेकर बड़े तक सभी अपना सहयोग देते हैं। छत्रपति बाल गणेशोत्सव मंडल चिटनीस पार्क चौक महल, यहाँ पर आप यहाँ पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। 7 तारीख को हुई थी विधिवत रूप से, और इसका समापन जो है वो 18 सितंबर को होने वाला है, अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन। आज अभी तक तो विभिन्न प्रकार की स्पर्धाएं हुई थी इस मंडप के अंदर, लेकिन आज जो है आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, कलावंत ढोल ताशा पतक गोलीबार चौक, जिसके इंचार्ज हैं श्री शुभम जी सेंडे। इनके सदस्यों ने बहुत सुंदर ढंग से कला का प्रदर्शन किया, और ये मतलब उन्होंने भगवान शंकर जी के नारे भी लगाए, हनुमान जी के लगाए, भगवान श्री राम के लगाए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लगाए, और बहुत अच्छा आयोजन हुआ। विभिन्न प्रकार के उन्होंने शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन किया, और उन्होंने जुगलबंदी बहुत अच्छी की, यानी ढोलक के बीच में वाद्य यंत्रों की जो जुगलबंदी थी वो देखने लायक थी। मुझे लगता नहीं कि शहर में ऐसे आयोजन होते होंगे, लेकिन शहर में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी शायद इन लोगों की झलक देखने मिलेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं और मंडल को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको पत्रकार ओम प्रकाश सोनी धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं, थैंक यू। मेरा नाम श्रवण दिलीप वैद्य, और हमारे मंडल को 14 साल ही इस साल, और हमारा मंडल का नाम है श्री छत्रपति बाल गणेश उत्सव मंडल। और इसी 10 दिनों के कारण मतलब सब लेडीज़ या जेंट्स सब मिल के 10 दिन जो हम गेम्स लेते हैं, सब कुछ एकदम इंजॉय करते हैं सब, इसके लिए सब लोग मतलब मस्त है, और मंडल के लिए सब इतना ही। माझं नाव वैभव साळुंके आहे, आमच्या मंडळाचं नाव श्री छत्रपती बाल गणेश उत्सव मंडळ आहे, हे आमचं 4th वर्ष आहे। आमच्या आता या तुम्ही बघू शकता एक जंगल थीम आम्ही यावर्षी उभारली आहे इथे, त्याप्रकारे मूर्ती पण तशीच साकारली आली आहे, आणि बॅकग्राऊंडही आम्ही त्याचप्रकारे जंगल थीमवर आधारित घेतला आहे। बाकी कार्यक्रमांचं आयोजनचं बघता तर तुम्ही इथे आजच्या दिवशी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेण्यात आली होती, काल आपल्या इकडे नृत्य प्रतियोगिता झाली आहे, ड्रेस कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन झाली आहे, त्याच्याशिवायही आपण लहान लहान मुलांचं सगळे कॉम्पिटिशन घेण्यात आलेले आहे, रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आलेली आहे। आता आपण 18 तारखेला आमच्या गणेश उत्सव म्हणजे प्रतिमेचं विसर्जन आहे, त्यानुसार आता आपण समोर पुढे जाणार आहोत। आज आमच्या कलावंतांचं ढोलताशा पथकाचं आयोजन आम्ही आमच्याकडून करणार आहोत। वेगवेगळ्या दरवर्षी वेगवेगळ्या आम्ही काही चेंज करत राहतो, या त्यानुसार आम्ही मागच्या 3 वर्षात वेगवेगळे थीम केले होते। यावर्षी आमचं जंगलाचं हे होतं की आमची मूर्ती त्यानुसार आम्ही घडवण्यात आली होती, त्यानुसार मग आम्ही जंगलाचा थीम आयोजित। मेरा नाम मनसुनी, हमारे मंडल का नाम है श्री छत्रपति बाल गणेश उत्सव मंडल। हमारे मंडल में रोज़ दस दिन उत्सव होते हैं, गेम्स होते हैं, और 18 तारीख को हमारा गणेश जी का विसर्जन है, और 10 दिन जैसे ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, और भी बहुत सारे गेम होते हैं, नींबू चम्मच होते हैं। मंडल की ओर से हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला जैसे प्रतियोगिता के साथ ही अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर जैसे उपक्रम भी चलाए जाते हैं। माझं नाव दुर्गेश कोल्हे, आमच्या मंडळाच्या नाव श्री छत्रपती बाल गणेश उत्सव मंडळ आहे। आम्ही हावे जे थीम केली होती त्याप्रकारे आम्ही नेचर्सचं थोडं हे केलं आहे, यामध्ये नेचर्स तुम्ही बघू शकता जसं पाणी किंवा झाडाचे वगैरे पूर्ण प्रकार केला, आणि आमची जी मूर्ती होती ते
मिक्स विष्णू आणि याच्या अवतार जे रामाचे अवतार होते मागच्या वर्षी आमचं जे हे होतं अवतार तो रामाचे अवतार होता त्यावर्षी आम्ही शंकर आणि राम हे जी मूर्ती होती ते मिक्सअप केली आहे आणि त्या प्रकारे आमची ह्यावेळेस मूर्ती जे आहे जसं ब्लड जसं आम्ही ह्यावेळेस ब्लड डोनेशन वगैरे जे कॅम्प केलं होतं त्याप्रकारे आम्ही अगर कोणाला ब्लडचे वगैरे हे जायचे तर आम्ही ह्यावेळेस ते केलं होतं आणि पुढच्या वेळेस तसं आम्ही काही पाऊल उचलू ज्यामुळे लोकांना अजून थोडं काही मदत मिळाली. मंडल की ओर से अपनी परंपरा का भी ध्यान रखा जाता है. इसका नजारा हमें देखने को मिला जब हमारी टीम मंडल पहुंची तो वहां कलावंत ढोल ताशा पथक की प्रस्तुति दे रहे थे. इस पथक ने अपनी परंपरा की याद दिलाई. देखते हैं इसके कुछ झलकियां. कैमरा पर्सन दयन के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.